हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे ये जो ट्रेन का जो हॉर्न होता है, आपको पता है ये ट्रेन का हॉर्न भी अलग अलग तरीके से बजता है और इसकी अलग अलग तरीके से आवाज निकालते हैं ड्राइवर के द्वारा। कभी छोटी सीटी बजाता है ड्राइवर, कभी लंबी सीटी बजाता है, कभी दो सीटी एक साथ बजाता है, कभी तीन सीटी एक साथ बजाता है। उसका सबका अलग अलग सिंबल है, अलग अलग मकसद है कि किस कारण से ड्राइवर अलग अलग सीटी बजा रहा है। इसके बारे में मुझे भी पता नहीं था। अभी दो तीन दिन पहले मैं ट्रेन के कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था ट्रेन के बारे में, तो मुझे भी अभी पता चला कि ट्रेन की जो ये सीटी है जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बजती है उसका डिफरेंट डिफरेंट मतलब होता है। तो मैं खुद भी आश्चर्य हो गया था। तो आइए देखते हैं कि ट्रेन की सीटी कितने प्रकार की होती है और ये क्या सिग्नल देती है। आइए सबसे पहले देखो, अगर एक छोटी सीटी बजा रहा है ड्राइवर तो वो कह रहा है उसे दूसरे इंजन की सहायता नहीं है। अब आपको बता, ट्रेन कितनी लंबी होती है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है, तो ड्राइवर अगर बार बार आने के लिए थोड़ी कहेगा, ड्राइवर सिर्फ सिग्नल देता है। अगर ड्राइवर एक सीटी बजा रहा है सिंगल छोटी, तो उसे किसी दूसरे इंजन की सहायता नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है। अगर ड्राइवर एक छोटी और लंबी सीटी, एक छोटी और एक लंबी सीटी बजाता है, तो वो कह रहा है कि ट्रेन पीछे लगे इंजन की उसको सहायता की जरूरत है। अब अगर सिंगल छोटी सीटी बजा रहा है तो उसे इंजन की सहायता नहीं है, लेकिन अगर एक छोटी और एक लंबी सीटी बजा रहा है तो उसे इंजन की सहायता है। अब देखिए, इसमें भी अपन तो वहाँ बैठे होते हैं प्लेटफॉर्म पर और ये ऐसे सीटें बजती है, अपन को पता ही नहीं चलता है। अपन सोचते हैं ऐसे ही बजा रहे होंगे, लेकिन उसका हर एक एक का सिग्नल का महत्व होता है, उस हर एक एक सीटी का महत्व होता है। वो ट्रेन और गार्ड जो होता है वही एक दूसरे आपस में समझते हैं। थर्ड, दो छोटी सीटी, अगर ड्राइवर दो छोटी सीटी बजा रहा है, यानी अगर ट्रेन खड़ी है, अगर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है और ड्राइवर दो छोटी सीटी बजा रहा है, तो वह गार्ड से ट्रेन को खोलने का सिग्नल मांग रहा है। वह गार्ड से ट्रेन को खोलने का सिग्नल मांग रहा है, यह उसका एक सीटी बजाने का तरीका है। फोर्थ, एक लंबी और एक छोटी सीटी, अगर एक लंबी और एक छोटी सीटी बजाता है ड्राइवर, तो ड्राइवर ट्रेन के गार्ड को ब्रेक रिलीज करने का संकेत दे रहा है। अगर एक लंबी और एक छोटी सीटी बज रहा है तो ड्राइवर ट्रेन के गार्ड को कह रहा है कि आप ब्रेक रिलीज करिए। फिफ्थ, तीन छोटी सीटी, अगर रेगुलर ट्रेन का ड्राइवर तीन छोटी सीटी बजाता है, तो उसका मतलब होता है ड्राइवर गार्ड को ब्रेक लगाने को कह रहा है। ड्राइवर उसको सिग्नल दे रहा है गार्ड को कि ट्रेन के ब्रेक लगाइए। ये देखिए, सिक्स, चार छोटी सीटी, अगर ड्राइवर रेगुलर चार छोटी छोटी सीटी बजाता है, तो इसका मतलब आगे रास्ता क्लियर नहीं है। आपने कभी देखा होगा कि ट्रेन में सफर किया होता है तो अचानक ट्रेन रुक जाती है, जब ट्रेन रुकती है ना, तब उससे पहले ध्यान रखना कि चार छोटी सीटी ड्राइवर बजाता है। अपन ट्रेन के अंदर बैठे हुए होते हैं, चार छोटी सीटी बजती है, अपन सोचते वह ऐसे ही बजती होगी, नहीं, उसका संकेत है, उसका संकेत यह है कि आगे रास्ता क्लियर नहीं है। यह है सेवन, दो लंबी और दो छोटी सीटी, अगर दो लंबी और अगर दो छोटी सीटी बजा रहा है, यानी ड्राइवर ट्रेन के गार्ड को बुला रहा है। अब देखिए, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी रास्ते में, अब ड्राइवर को गार्ड को बुलाना, तो फोन थोड़ी करेगा कि तू आ जा मेरे पास में, वो सिर्फ सिग्नल देगा। वो सिग्नल क्या देगा, दो लंबी और दो छोटी सीटी बजाएगा, यानी ड्राइवर को ट्रेन के गार्ड की जरूरत है, ट्रेन का गार्ड तुरंत ड्राइवर के पास चला जाएगा। देखिए एट, एक लगातार लंबी सीटी, अगर ड्राइवर एक लगातार लंबी सीटी बजाता है तो उसके दो सिग्नल होते हैं। देखिए, यानी ट्रेन या तो किसी सुरंग से गुजर रही है, आपने देखा होगा कोई अगर लंबी सुरंग आती है और ट्रेन का ड्राइवर एक लंबी सीटी बजाता है, तो वो अगर हमेशा ध्यान रखना कोई ना कोई सुरंग आने वाली है। और इसका एक दूसरा संकेत भी है, उसका दूसरा संकेत, किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकने वाली नहीं है। कोई ऐसा स्टेशन है जहाँ उस ट्रेन का रुकने का स्थान नहीं है और वो नहीं रुकती है, तो वहाँ पर एक ड्राइवर एक लंबी सीटी बजाता है और ट्रेन फास्ट निकल जाती है। तो देखो, ये सिग्नल आपने ये दो चीज़ें तो आपने हमेशा नोट की होगी ट्रेन में, मुझे जहाँ तक पता है। नाइन्थ, दो छोटी और एक लंबी, अगर दो छोटी और एक लंबी बज गई तो समझ लो किसी यात्री ने चेन पुलिंग की है। ये भी शायद आपने सुना होगा, लेकिन जब वो अपन ट्रेन में बैठे होते हैं और ऐसी ऐसी सीटें बजती तो अपन गौर नहीं देते, अपन सुनते यूँ ही बजाते हो, लेकिन उसका हर एक एक का सिग्नल का और हर एक एक का महत्व होता है। ये महत्व, ये अगर दो छोटी और एक लंबी सीटें बजाए, यानी किसी यात्री ने चेन पुलिंग की है।
तो ये अलग अलग ट्रेन के हॉर्न का महत्व होता है, ट्रेन के सिटी का महत्व होता है, जो आम इंसान को जैसे अपने जैसे को अपन को पता नहीं होता। ये ट्रेन का गार्ड और ट्रेन के ड्राइवर समझते हैं, एक दूसरे को सिग्नल देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।